मंत्री बनाया। सबसे सब प्रथम देखिए नीतीश जी को बहुत प्रेम होता और जनता के प्रति तो सीएम की कुर्सी पर चिपके रहते हैं, उनको पलटू राम लोग नहीं बोलता। मुख्यमंत्री बनने के लिए कभी इधर उछल के चले जाते हैं, कभी उधर उछल के चले जाते हैं। और अगर आपने बना भी दिया तो क्या आप गाली देंगे? आपने बना दिया तो क्या समझते हैं कि आपके तलवे चाटा दिली, आपके पैरों के नीचे रह दिली? यही मानसिकता आपकी है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि हमने बना दिया तो मेरा ऑर्डर मानो, तुम हमारा विरोध नहीं कर सकते हो, मेरे पैरों के नीचे जूती बहन के बन के रहो, हम जो कहें से सुनो, हम कहें दिन है तो दिन, हम कहें रात है तो रात। ये मानसिकता से चलेगा? ये डेमोक्रेसी की परिभाषा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देखा था, ये मेरा प्रियम्बल है, ये हमारे जो संविधान में हमारा जो 17 आर्टिकल्स कहता है, 16 आर्टिकल्स कहता है, 14 15 जो 21 सब आर्टिकल्स कहता है, ये सब आर्टिकल्स कहती है। तो कहने का मतलब है कि आप तो साफ आप बता रहे हैं कि हमने बना दिया था, मेरा गुलाम बन के इसको रहना चाहिए, गुलाम नहीं बना, ये गुलाम नहीं बना, इसको हम कान पकड़ के बात करें। बाजी नीतीश कुमार, आपने तो अपना चेहरा दिखा दिया, तो चेहरा जो आपका नजर आया है बहुत ही विकराल है, और ये विकरालता आपको लेकर क्या लगता है कि बता दीजिए पहले आप, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा। देखिए आप सबका स्वागत है, हम पार्टी की तरफ से आज आप लोग यहाँ पर आए हैं और दीपावली की पूर्व मेला है, आज हम लोग दीपावली का पर्व मना रहे हैं। आपके माध्यम से आप सबको भी शुभकामना और आपके माध्यम से सभी देशवासियों बिहार वासियों को हम पार्टी की तरफ से शुभकामना हम अभी देते हैं। और आज आने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग एक दूसरे से मिले जुले और एक पार्टी का आज एक त्यौहार है, इस त्यौहार का आनंद उठाएं और शांति और का जो संदेश है उसका भी हम लोग आज वर्णन करें और बातें करें, और कुछ राजनीतिक बातें भी हो जो घटनाक्रम में आए दिन आज हम लोग देखे हैं दो चार दिनों में, उस घटनाक्रम पर भी चर्चा होगी। और हम लोग अपना स्मरण आप सबको बता ही चुके हैं कि जिस तरह से हमारे संरक्षक महोदय के साथ बर्ताव किया गया विधानसभा के अंदर, और एक शर्मनाक घटना है, काला दिवस है, खास करके गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कि दलितों के इतने बड़े नेता समाज के जो जिस समाज से वो आते हैं, जो सबसे पिछड़ा समाज है जिसको भुइया मुसल समाज कहते हैं, उस समाज से एक संघर्ष करके एक व्यक्ति बाहर निकल करके आदर्श पेश करते हैं समाज के लिए, और उस आदर्श के ऊपर कुठाराघात किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि ये जितना मानी जी का अपमान नहीं है, पूरे दलित समाज का अपमान है। और मैं आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों को बोलना चाहते हैं, गरीब और दलित भाइयों को, कि अब सही समय आ गया है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग को बाहर का रास्ता दिखा देना होगा, नहीं तो दलितों का जो सम्मान है, दलितों का जो इज्जत है, दलितों की जो आत्मसम्मान नहीं बचेगा ये जब तक रहेंगे। इसी तरह से दलित जेलों में डाल दिए जाएंगे शराब के नाम पर, उनके साथ अत्याचार किया जाएगा, उनके घरों में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहते रहेंगे कि हम बहुत शुभचिंतक हैं, लेकिन उतना ही अत्याचार होता है, उतना ही लोग जेलों में जाते हैं। तो इसका परिचय और इसका उन्होंने उदाहरण दे दिया जीतनराम मांझी के साथ इस तरह के व्यवहार करके, और हम समझते हैं कि अब उनका समय आ गया है, और उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी तरह के विनाश की बातें हो गई है जो इस तरह की बातें करते हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, समाज के जिस तबके की वो बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम उनके लिए ऐसे कर रहे हैं, उनसे करावे की तरफ उसको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। तो जनता जान चुकी है, और आने वाला समय में निश्चित तौर पर जनता उनका जवाब देगी, और हम पार्टी के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, सब जगह जा करके हम लोग अपनी बातों को रखेंगे और दलितों को एक करेंगे, गरीबों को एक करेंगे, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे, और जो सम्मान उनका कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुँचा है, उस सम्मान को फिर से वापस दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और इसी के लिए हम लोग एक मैसेज देने के लिए आपको बुला है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जदयू नीरज कुमार यही बात, अपनी गलती को अपने पाप को छुपाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। कहा जाता है ना कि कोई बात को भटका दो, तथ्यों से भटका दो। मांझी जी के साथ क्या हुआ, हम तो एक बात बोलते हैं कि आप सबसे बड़े हितैषी हैं दलितों के, आप कहते हैं कि आप सबसे बड़े हितैषी हैं, जीतनराम मांझी मुसहर के बेटा को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, आप इस तरह से बोलते हैं जैसे लगता है कि आपने एहसान कर दिया है एक मांझी के और मुसहर के बेटा पर। तो जब आप इतने बड़े हितैषी हैं, इतने आप दलित प्रेमी हैं, तो फिर उसको गाली दे करके आप कौन सा दलित प्रेम का ये कर रहे हैं, और एक बार गाली दे रहे हैं फिर कह रहे हैं कि फलाना खराब है। मान लीजिए कि ए खराब है तो आप बी क्यों खराब हो रहे हैं,
सवाल वो नहीं है कि अगला क्या किया, सवाल है कि एक क्या किए माननीय नीतीश कुमार जी, क्या किए और उनके साथ जो दल जुड़ा हुआ है माननीय लालू जी, जो हमेशा कहते हैं कि हम अकेलेतों को और दलितों को पिछड़ों को सबको एक करने का काम किए हैं, उनको जुबान देने का काम किए हैं, उनकी आत्मा कहाँ चली गई? उनको आत्मा नहीं कि झोंक रही थी कि सदन में बड़े नेता, दलित के बड़े नेता, सबसे उम्र दराज नेता, सबसे एक्सपीरियंस नेता, और उनके उन सबसे आज के सदन में उनके इतना बड़ा कार्यकाल कोई नहीं किए हुए प्रेजेंट सदन में, उस व्यक्ति के ऊपर इस तरह से बातें की गई है कि बैठ जाओ, उनको संवैधानिक अधिकार के तहत उनको सभापति अध्यक्ष महोदय के द्वारा उनको बोलने के लिए दिया गया था, जब तक उनकी बातें पूरी नहीं हुई आप बीच में कह रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, ये संवैधानिक परंपरा का उल्लंघन नहीं है? इस तरह का उल्लंघन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा? ठीक है, आपको अपनी बात रखनी थी, आपको किस विरोध में बोलना था, उनको बोलने के बाद आप बोलते अपनी बात को रखते, उसमें कहाँ कोई बात था, लेकिन आप उनको बोलने नहीं दिए। तो ये मामला नहीं है कि आप SC ST के लोगों को बोलने के लिए नहीं दे रहे, कह रहे तुम बैठ जाओ तुम मूर्ख है, तुमको बोलने नहीं आता, तुमको अकल नहीं है, तुम गधा है, इस तरह की बात कहने वाला मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि हम किसके ऊपर बोल रहे हैं।